बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा शो विद मी मतीरा। और यस, आज हम बात करेंगे, हमारी बात बहुत अच्छी होगी क्योंकि आज के मेहमान बड़े अच्छे हैं। हर बंदा उनको जानता है और उन्होंने हर तरह के मीम्स में उनका ज़िक्र होता है। वो उनकी ज़बान अलग है, वो बातचीत करते हैं वो भी अलग है, कभी वो एक्सरसाइज करते हुए दिखाते हैं तो चीज़ों को, खाते हुए दिखाते हैं तो बर्थडे विशेज़ करते हुए दिखाते हैं। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को। दैट इज़ द वन एंड ओनली नासिर खान जान। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए बैठिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा बोल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ना मुझे मौका दिया, और वो भी आपके साथ ना, क्योंकि आपकी तो काफ़ी ज़रा वीडियोस, और मैं ये कहूँगा कि मैं फ़ैन हूँ ना। नहीं, मैं फ़ैन हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ, और मैं आपका एसी हो गई जब आपका बेबी हुआ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपनी बेगम के साथ जब पिक्चर पोस्ट करते हो हमेशा एक अच्छा सा पैगाम निकालते हो। ऑफ कोर्स एक चीज़ ये होती है कि हर इंसान शुरू करता है कहीं, तो आपकी भी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? शुरुआत तो ये थी कि इसका तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, शोज़ पे भी किया है और शोज़ में किया, लेकिन ये था कि मैंने खुद जो है वो यानी अपना एक जॉब की तलाश में था ना मैं। आहा। तो फिर इस तरह उसकी मैंने जॉब की काफ़ी ज़्यादा सर्च की, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड था, मैंने एजुकेशन भी मेरे पास थी, डिग्रीज भी थी, तो उस हवाले से जो ना मेरी चॉइस की जॉब जो थी ना वो मुझे नहीं मिल रही थी, और आजकल पाकिस्तान में तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर इस हवाले से सोशल मीडिया का सहारा मैंने लिया और इससे फिर माशाल्लाह। आप कितना पढ़े हो? मैंने मास्टर किया है। मास्टर, और क्या जॉब चाहिए थी आपको? जॉब तो इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा जो अपना चॉइस का जॉब, अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूँ तो मुझे फ्लाइट अटेंडेंस नहीं है वो मुझे पसंद था ना। वैसे खाने में क्या पसंद है? मैंने तो आपको हमेशा फल खाते हुए देखा है, कभी आप केला दिखा रहे होते केला खा, ये किसने आपको बोला कि केला खाए, खीरा खाए? केले का तो क्या है कि वो इतनी ज्यादा फवायद है ना, और तो ये आवाम की डिमांड थी। हाँ बिल्कुल, आवाम की डिमांड भी थी, और बाकी ये भी था कि मैंने खुद जो है वो न्यूट्रिशन के हवाले से मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ ना, क्योंकि लेकिन कभी कभी आप केला इधर उधर भी वो क्या होता है यार, उधर तो जनाब कुछ नहीं होता। केला तो मैं कहूँगा कि इधर उधर तो मेरे ख्याल नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो जो है मैंने, हाँ। ये जो आप वीडियो करते हो ये एक टेक में होता है या बहुत सारे केले खाने पड़ते हैं? नहीं, वो मैं कह रहा था कि वीडियो के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना होता है ना, क्योंकि ये लोग इतनी आसानी से तो लोग स्क्रीन देखते हैं ना, हाँ। लेकिन ये इतनी इजीली नहीं होता ना, क्योंकि इसमें बहुत हम रिटेक लेते हैं, जिस तरह टेलीविजन पे आप लोग रिटेक वगैरह, हाँ। लोग लेते हैं ना ड्रामों में, फिल्मों में, तो इसी तरह हम सोशल मीडिया पे अगर मेहनत करेंगे ना तो उसका फल भी आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन वो फल तो ये खा रहे जो मिलना चाहिए और इधर उधर भी लगा रहे। पर खैर, एक आपके एक दोस्त थे, वो एक बाल्टी में बैठ कर, वो पता नहीं, वो मेरा दोस्त था लेकिन वो मेरा पास्ट में था, पास्ट में मेरा एक दोस्त था ना। ओके, तो वो मेरा एक फ्रेंड था, वो उसको भी मैंने सोशल मीडिया में लाया था। तो वो है ऐसा? असल में ये था कि मैं बहुत यानी अकेला था ना, तो लोग पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ला दूँ ना, ताकि क्रिटिसाइज थोड़ा कम हो जाए, इनकी तरफ जाए ना। अल्लाह, ये तो वो है, हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबे सनम। ये मैंने किया था, तो इस वजह से उसको मैंने ला दिया, तो लेकिन उसने बर्दाश्त नहीं किया ना वो चीज़, मैं तो के बर्दाश्त करके अभी। हाँ, लेकिन वो बाल्टी में क्यों होते थे हमेशा? बाल्टी में तो गीला होने है कोई यार, उसको गर्मी लगी थी बहुत ज्यादा ना उस वक्त, तो कोई गर्मी निकाल दो यार, पंखा खोल। लेकिन वो ये था कि वो कह रहा था कि इस तरह जब भी मैं शावर लेता था तो शावर के साथ मैं एक क्लिप बनाता था ना, वो कहता किस तरह। तो मुझे ये बताएं, ये एक फेस था नासिर खान का, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपने एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है दर इंसान खुद का मजाक कर अपने आप को मनवाए कहीं ना कहीं, यू नो आई रियली लाइक दिस। जब आप गाना गाते हो ना, मैं उस चीज़ की बड़ी फ़ैन हूँ, जिस तरीके से आप इंग्लिश गाना गाते हो दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि इट्स फनी ऑल्सो।
सो टेल अस दैट ये जो चेंज आया, क्योंकि हमने देखा है एक रिबेलियस फेज, फिर हमने देखा है एक बड़ा सुलझावा, एक अच्छा पैगाम देते हुए। लेकिन यहाँ पर भी है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रहता, क्योंकि खुद का मजाक हमने नहीं बनाया है ना, हमने दूसरों का मजाक बनाया है लेकिन खुद का हम नहीं बनाते। नहीं, पर एक एक चीज़ ये होती है ना, दैट फिर लोग भी होते हैं, लोग फिर 10 बात कहते हैं, उन चीज़ों को कैसे फेस करा जाता है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो आप अगर बैठ कर बोल रहे हो यू नो बनाना खाओ इस तरह, उसमें क्या होता है कि लोग चंद हंसते चंद मजाक बनाते। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह ये कि हमारे बहुत क्रेजी फैंस भी है ना इसमें, क्योंकि अब हम यानी जिस लेवल पे है ना, तो वही फैंस हमें लेके आए हैं ना, हम वो अप्रिशिएट करते, हमें जो है ना वो वीडियोस से हमसे बनवाते भी है वो लोग, तो उनकी डिमांड पे ही हम ज़्यादातर बनाते हैं ना। और बाकी ये भी है कि हर एक जगह पे तो वो तो होता रहता है ना, लेकिन हम उन लोगों को बिल्कुल, मैं तो क्या है कि उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस समझता ही नहीं ना अपनी लाइफ में ना, मैं तो ज़्यादातर पॉजिटिव की तरफ जो है ना। तो मुझे बताओ कॉन्टेंट कौन बनाता है? कंटेंट जो है ना, मेरा मैनेजर है ना अभी मेरे साथ है भी, वो भी मेरे साथ इसमें जो है ना शरीक है, लेकिन इसके अलावा जो है ना मेरा खुद अपना भी तो एक, अब देखो मेरे ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं ना, इतने मिलियंस में मेरे हर जगह पे है ना, तो ये भी जो है ना मेरा अपना टैलेंट है, क्योंकि मैं मेरा जो कंटेंट है अपना नहीं होता ना, तो कोई दूसरा भी किसी को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक हद तक करेगा। जब आपके अपनी शोर अपना नॉलेज ना होना, तो आप मेरे ख्याल में इस तक नहीं जाते। तो ये आपका हिडन टैलेंट था, और कौन से टैलेंट है? और टैलेंट सिंगिंग जो है ना, आपने बताया मेरा सिंगिंग है, इसके अलावा जो है चैलेंजिंग है, और उसके अलावा जो है टैलेंट तो मेरे बहुत ज़्यादा है यार, मैं अब क्या क्या बताऊँगा ना, मतलब कोई दो तीन उंगलियों पर जो हम गिन सकते हैं वो बता दो। तो मेरा तो है एक ट्रेनिंग, जिम ट्रेनर भी हूँ ना मैं। ओह, जिम ट्रेनर? हाँ। ओके, और वो कैसे? वो ऐसे के जो एक्सरसाइज वगैरह होते हैं उसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि कुछ बॉडी के लिए जो पार्ट्स होते हैं ना उसको एक्सरसाइज देना, मसाज करना, ये चीज़ इसमें। आप मसाज भी करते हो, जिम ट्रेनिंग भी? हाँ, दोनों चीज़ों में माहिर। एंड आपने ये चीज़ कहाँ से सीखी? ये चीज़ मैंने सीखी है, कुछ उस्ताद थी उसने मैंने सीखी थी, और कुछ ऑनलाइन भी मैंने इस तरह वीडियोस के जरिए भी मैंने सीखी है। okay. तो उसकी वजह से मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। ओके okay. अगर हमारी आवाम, ऑफ कोर्स मैं भी इस चीज़ से, अगर पेट थोड़ा बाहर है तो क्या करें, प्लीज़ ये बताएं। तो पेट के लिए तो पहले तो ये कि बैलेंस डाइट इससे पहले बहुत ज़रूरी होता है, उसके साथ एक्सरसाइज भी होता है ना। तो कौन सी तीन एक्सरसाइज बताएं हमारी आवाम देख रही है? तीन एक्सरसाइज जो है ना, एक उसमें पुशअप जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, पुशअप। ओके, लड़कियां भी पुशअप करें? हाँ, लड़के भी कर सकती है। ओके, खैर ये तो थोड़ा सा था, लेकिन अब पर्सनल लाइफ पर आते, प्यार कब हुआ? प्यार मुझे तो प्यार हर बार हो जाता है, अगर मैं सच बताऊँ। कितनी बार? हाथ पर प्यार, देखने पर प्यार, फलों पर प्यार, कैसे प्यार? बस खूबसूरती से, खूबसूरत चीज़ से तो हर किसी को प्यार हो जाता है। हाँ, ना ये तो है। तो बस पसंद करना चाहिए, प्यार बहुत कम चीज़ों से करना चाहिए, खूबसूरत चीज़ों को पसंद करो लेकिन प्यार चंद लोगों से करो, वरना प्यार हर जगह बांटोगे तो प्यार तो आम हो जाएगा। नहीं, वो प्यार तो है, लेकिन मैं कह के एक हद तक जो है ना प्यार या इस तरह होता है, अब कभार जब मैं इस तरह खूबसूरत फूल को भी देखता हूँ ना, तो उस पर भी जो प्यार आ जाती है ना, तो इस तरह ऐसे इसके बात में कर रहा हूँ ना कि प्यार मुझे है। और वो जो दिल वाला प्यार आप कर रहे हैं, हाँ, दिल वाले की हम, तो वो तो मैं तो एक मेरठ बंदा हूँ, तो जाहिर बात है कि मेरे जो बेगम है ना, हाँ, वो मुझे बस उससे प्यार हो गया था, बस अल्लाह से दुआ की तो वो मुझे मिल गई ना। तो मुझे ये बताओ, आपने अपनी बेगम को कब देखा? अरेंज्ड मैरिज थी? मैंने उसको देखा था, एक फंक्शन थी ना उसमें मैंने देखा था ना। okay. तो मुझे यानी अब हर एक इंसान की भी लाइफ में एक सेलिब्रिटी होती है ना, कि उसको हाँ. वो जब देखता है ना तो उसको पसंद करता है ना, तो इस तरह मैं अगर बात करूँ तो इसका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है ना, कि मुझे कितने कैप की ज़्यादातर मैं इस तरह सॉन्ग्स वगैरह कभी कभार देख रहा था, तो मैं सोचा कि ऐसी लड़की मैंने कभी देखी ना तो मैं इसको प्रपोज करूँगा ना। तो फिर मैंने जब उसको देखा तो ये नहीं है कि कोई तो जो है ना वो 100% उसके जैसा हो ना, अब ये भी हो सकता है कि मुझे वो उसके जैसे लग रहे, किसी और को उसके जैसे वो नहीं लगते, वो कहेंगे कि तो डिफरेंट है, लेकिन मुझे उस तरह वो उसके जैसे लग गई ना। किसकी तो जैसे? कैटरीना की तरह ना। कैटरीना जैसी? हाँ। आपकी बेगम कैटरीना जैसी लगती है? तो मुझे तो ऐसे लगता है, लेकिन अब मैंने तो पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कुछ लोगों को लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे इस तरह लगा था, तो मैंने उसको प्रपोज किया ना, तो
उसको तो पहले बार बिल्कुल अजीब से लग गया ना, ये बिल्कुल फिल्मों वाला सीन है ना कि उसने कहा कि कहीं मैं और कहीं ये मुझे प्रपोज कर रहा है इस तरह। और मैं तो कह कि बिल्कुल वो फिल्मों वाला सीन है, वो मैंने किया ना शादी में, एकदम गया और हाथ में फूल लिया और एकदम से जो है ना इतना घुटना नीचे किया और कहा कि आप सबसे बेस्ट हो ना, सबसे बेस्ट लड़की हो और बस मैंने इसका ऐसे प्रपोज किया। तो उस वक्त तो उसको अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन फूल उसने मुझसे लिया था। ओके हाँ, तो उसके बाद मैंने कि थोड़ा थोड़ा तो है वो कुछ कुछ तो हो गया ना। हाँ. तो कुछ कुछ जो हो जाते हैं ना आंखों आंखों में आंखों आंखों में यस। हाँ, फिर उसके बाद मैंने ट्राई की थी, लेकिन उसने कहा कि आपको पेरेंट्स को मनाना होगा ना। उसने कहा कि पेरेंट्स सबसे मस्ट होते हैं ना। हाँ, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, वो नहीं तो इस तरह कुछ नहीं हो। फिर मैंने उसके बाद जो है ना अपनी ससुर नहीं है उसको मैंने इतमाद में ना, क्योंकि अब तो मेरे पास सिर्फ यही जरिया है कि मैं स्कूल इतमाद में ना। तो उसके साथ मैंने दोस्ती की और काफ़ी दोस्ती हमारी मेरी उनकी हो गई। तो बस उसने फिर उसके बाद फिर मैंने जब वो क्या कि अप्लाई जब होती है ना दोबारा अप्लाई की तो बस हो गया काम, उन्होंने बस बोला डन। हाँ ओके जी, तो आप बताएं आप बोल रहे थे कितने बहन भाई हैं आपके? हम तो चार भाई हैं, आठ बहन हैं। वाओ, और माँ लाइक आपकी अम्मी अबू? मेरे अम्मी अब्बू तो नहीं है अभी इस दुनिया में। ओके, तो आप भी इतने अपने खानदान को बढ़ाना चाहेंगे, आठ नौ दस? यार मैं तो चाहूँगा कि मुझे तो इतना ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन आउट एक है कि दो ही अच्छे हैं ना, है तो ना? हाँ। दो बच्चे देखो जब हर बंदा है दो बच्चे ही अच्छे। क्योंकि अभी मैंने जो है ना आपको पहले भी तो मैंने बताया क्योंकि ये जो आयान का भी इस तरह बीमार हो गया है ना, तो इसका जो दर्द हमने ये बात की थी ऑफ स्क्रीन, हम अब ऑन स्क्रीन करते हैं। इनके इतना प्यारा सा एक बेबी है, तो यस आप बताएं अपने बेबी के बारे में। जब आपको बेबी हुआ पूरी कौम खुश थी एंड exactly. बहुत ही अच्छी बात है एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड इट इज़ वेरी ही लुक्स ऑल्सो वेरी क्यूट। तो हाउ इज़ ही डूइंग? बस ये ना कि वो उनको बीमारी हो गई थी थोड़ी इस तरह हार्ट का इशू है ना, तो ये कब पता चला ये हार्ट की बीमारी? ये अभी ही पता चला कि कभी जब मैं आया शो के लिए तो इसी बीच वाइफ ने चेकअप कराया, तो उस वक्त वो भी काफ़ी अपसेट थी, तो उसने तो कहा था कि आप बिल्कुल डायरेक्ट ही आ जाओ ना, फ्लाइट लेके आ जाओ। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की क्योंकि मैंने कहा कि काम तो अगर मैं करूँगा भी तो आप ही लोगों के लिए करूँगा ना, तो इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला क्योंकि अब मैं भी अगर इस तरह हालात के साथ मुकाबला ना करूँ और इस तरह हार जाऊँगा ना तो फिर मेरे ख्याल में ये नहीं रहेगा ना, तो इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखा। और यानी वो दर्द अब मुझे यानी मैंने फील किया ना, वो जो माँ बाप का दर्द होता है ना बच्चों का, हमें बिल्कुल वो एहसास नहीं था ना, बिल्कुल वो हवा वाली लाइफ जो है ना वो गुजार रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला। और इसी बीच जो है ना मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने आप में उसको मैंने देखा ना कि ये बच्चों का कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है ना। फिर ओके, जब आपका बेबी हुआ क्या फीलिंग थी? फीलिंग तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना उस वक्त की जो रोना आया था। रोना तो बिल्कुल सच में रोना आया था। हाँ, रोया तो था मैं बहुत ज़्यादा खुशी से रोया था ना। हाँ, क्योंकि मैंने जब इस तरह बेबी को उठाया और अपने गले से लगाया ना, तो ये जो आम बच्ची जब होती थी ना, मैं अगर सच बताऊँ ना तो मुझे यानी बच्ची जो है इतनी पसंद नहीं थी ना आम लाइफ की अगर बात करूँ, क्योंकि मेरी बहन की जब आती थी उनकी बच्ची जब आती थी ना तो वो कहते थे कि ना सर कि अंदर ये क्या है कि जब भी इस तरह बच्ची उनकी तरफ जाते रोते हैं ना, इनको पसंद करते ना इनको ये गोद में लेते हैं और हमारे बच्चे से ये प्यार नहीं करता। मैं बिल्कुल बहुत तंग था बच्चों से, लेकिन अब जब अपना हो गया और फिर मैंने अपना बच्चा जब उठाया इस तरह मैंने सीने से लगाया ना, तो उसमें मुझे एहसास हुआ क्योंकि वो मैंने कहा कि ये तो मैंने बहुत ज्यादती की है ना कि बहनों की बच्चों के साथ जो है ना मैंने इस तरह। पर इट्स ओके, एहसास तो हुआ ना इंसान। हाँ। के अंदर एहसास होना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ जब आप वायरल होने लगे और हर जगह यू नो आपके वीडियोस, हर बंदा आपके बारे में बात कर रहा है, कुछ अच्छी बातें तो कुछ बुरी बातें, तो कुछ खानदान में लोग नहीं एक चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, यू गेट इट? तो ये बताओ खानदान से क्या बैकलैश मिली थी कि तुम क्या कर रहे हो, नाक कटा रहे हो हमें? ये तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि अब मैं बताऊँ तो मैंने जब शुरू किया तो खानदान से थे कि आज मैं सेपरेट रहता हूँ ना, तो ये जो मेन रीज़न है ये सोशल मीडिया है ना, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना मैं फैमिली से जो है ना मेरा रिश्ता जो है ना वो कट गया ना, क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो
67 में फिर एक बहन इस तरह दूसरा एक एक का जो है ना वो रिश्ते में साथ इस तरह सोशल मीडिया की वजह से दूर दूर होता जा रहा था ना। फिर तो आपको क्या लगा दैट ये सोशल मीडिया इतना ज़रूरी है, खानदान जा रहा है, सोशल मीडिया पर सिर्फ ध्यान था? मेरा ध्यान भी था लेकिन मेरा ज़रूरत भी था ना एक तरफ ना, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि मैं चलो आप ही लोगों को मैं अपना लेता हूँ ना, लेकिन मेरी ज़रूरत अगर आप लोग पूरा करें तो ठीक है, मुझे आप लोग चाहिए मैं सोशल मीडिया मैं छोड़ दूँगा। लेकिन एक तरफ मुझे नीड थी और एक तरफ वो था ना, तो आपको पता है नीड के बगैर भी तो इंसान नहीं रह सकता ना, क्योंकि नीड भी ज़रूरत होती है लाइफ गुजारने के लिए। वो एक कहावत है कि ज़िंदगी चलती गाड़ी का नाम है ना, तो वो तो किस हाल में भी नहीं रुकती ना। ज़्यादातर आपने ये वीडियोज़ या ये रुख इसलिए लिया क्योंकि ज़रूरत थी? हाँ एग्जैक्टली ज़रूरत थी। और माशरे से भी तंग आ गए थे क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी, एग्जैक्टली लोग सीरियस भी नहीं ले रहे थे। हाँ तो यू वेंट कम्प्लीटली लाइक दिस, तो अभी फैमिली क्या बोलती है? अभी फैमिली जो है ना माशाल्लाह अब काफ़ी अच्छी हो गई है फैमिली वालों ने, क्योंकि आप कमा रहे हो। हाँ मैं कमा भी रहा हूँ। ये भी होता है ना कि बंदा कमाने लगता है तो नहीं, असल में ये भी था कि अभी जो है ना अवेयरनेस इतना ज़्यादा है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट लिया था हमने तो बहुत पहले लिया था ना। हाँ। मैं ये बताऊँगी केपीके से मैं पहला इन्फ्लुएंसर था ना, कि मैंने जब शुरू किया था ये काम। आप लोअर डी से हैं? हाँ लोअर डी से। तो व्हाट इज लोअर डी एंड अपर डी, मुझे अभी तक ये नहीं पता। ये इस तरह ये है कि जिस तरह इसमें तो बहुत सारे इलाके आते हैं, लेकिन दीर का जो है ना केपीके में एक पेशावर है, पेशावर के बाद इस तरह सवाद जो है ना ये एक अलग साइड में आता है, फिर उसके बाद जब दीर आता है तो दीर दो हिस्सों में काउंट हो गया है, एक अपर है एक लोअर है। ओके। अपर जो है ना वो सवाद के पास यानी थोड़ा नज़दीक है, यानी इस तरह वो नीचे आता है, और जो लोअर है और जो अपर है ना वो थोड़ा इस तरह ऊपर साइड पे आता है। Okay, तो मतलब आप प्रैक्टिकली पहाड़ों में रहते हो? नहीं मैं लोअर से हूँ ना, मैं नीचे वाली साइड में हूँ ना, मैं प्लेन एरिया में बिल्कुल इस्लामाबाद से एरिया है ना हमारे। ओके तो चलो गर्मी पर आपने तो गर्मी पर भी एक वीडियो बनाई थी, गाइस हम इनके चंद वीडियोस आपको दिखा दे, लेट्स गो एंड सी। हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैं गुड़ की शरबत पी रहा हूँ और गुड़ की शरबत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे आपको प्यास नहीं लगेगी, एक तो गर्मी भी आपको नहीं होंगे और एक तो पिंपल नहीं है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। वेलकम बैक, एंड ये थी इनकी चंद वीडियोस गर्मी पर भी वीडियो बनाए। मुझे तो अगर मैं अपनी वीडियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों मैं कभी देखता भी नहीं ना अपनी वीडियोस? नहीं देखते कभी भी मैंने नहीं अपनी वीडियोस देखे, कभी कभार ये शोज़ वगैरह इस तरह है वहाँ पे जब आ जाता हूँ ना कोई दूसरा बंदा मुझे लगाए तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं एक बार जब वीडियो देख लेता हूँ ना तो बस फिर डायरेक्ट या सोशल मीडिया पे लगा दो, बस बना भी लेता हूँ फिर दोबारा से भी नहीं देखता कि उसमें क्या मिस्टेक तो नहीं है, बस तरह लगा लेता हूँ। मतलब वो बस लगा लिया? हाँ लगा लिया। ये बताएं कि टीना कौन है? बिल्कुल टीना जो है वो मेरे करीब इसलिए है कि टीना ने पहले जब मैंने यानी बर्थडे विश शुरू की ना, टीना वाहिद पहली लड़की थी जिसको मैंने विश किया था, फर्स्ट वीडियो मैंने उसके लिए बनाई थी। ओके हाँ। और फिर उसके बाद ये सिलसिला इतना गया कि फिर काफ़ी ज़्यादा आगे तो गया। मुझे बताओ आप कितना कमा लेते हैं बर्थडे विशेज से, और आपके आप जिस तरह बर्थडे विश करते हो बहुत अलग भी होता है और लोग आपसे अलग अलग पैगाम भी करवाते हैं। हाँ, और बड़ी अच्छी बात है, तो कैसे चल रहा है वो सब? बस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है मेरा, और बाकी तो ये कि मैं तो मैरिजिंग विशेज बनाता हूँ, बर्थडे बनाता हूँ, मैसेज की बात अपने की छोटी छोटी मैसेज भी बना लेता हूँ, कभी कभार तो ऐसे मैसेज भी होते हैं कि हस्बैंड अपनी जो है बीवी को मनाता है ना, तो मुझे कॉल करते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह करो ये मना लो, आप जो पेमेंट चाहे तो मैं आपको देने को तैयार हूँ लेकिन मेरी बीवी को मना लो, किस तरीके से ना। तो आप कैसे मनाते हैं रूठी हुई किसी और की बीवी को? तो मैं तो बस क्या है कि सॉन्ग्स वगैरह से अपनी खूबसूरत आवाज़ से, और एक गाना हो जाए, एक गाना तो बनता है। Every night in my dreams I see you, I feel you, that's how I know you, go on, far across the distance between us, you come to show. अभी आगे आप तो थोड़ा हेल्प करो ना मेरे साथ। मैं नहीं सुनती, मैं टाइटैनिक मैंने देखी नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ, मैं ज़्यादातर जो है ना वो सिंगिंग इस तरह करता हूँ कि मैं ग्लासेस लगा कर जो है ना लिरिक्स जो है ना मैं लिरिक्स हमेशा ग्लासेस लगाती हूँ। हाँ तो वो इसी की वजह से लगाता हूँ ना, ताकि मैं इस तरह लिरिक्स देख के सिंगिंग करता हूँ। ओके पर चलो आप आई बिलीव सेलिन डियन को भी बड़ा अच्छा लगा होगा, जितने भी रोमियो एंड जूलियट्स हैं उनके लिए गाना था और बड़ा अच्छा गाना था यार, उन्होंने तो बंदी को बोला कम एंड शो मी सीधा ऑन द पॉइंट। पर एनीवेज आप बताओ इसके अलावा ड्रेसिंग खुद करते हो या आपने गोल्डन बाल किए? ये गोल्डन बाल है
मेरे तो गोल्डन है भी, अपने भी है, और बाकी इसके अलावा जो ड्रेसिंग होता है वो पहले पहले जो है ना स्टार्ट में जब मैंने काम शुरू किया तो इसमें मेरे मैनेजर भी थोड़ा हाथ है, और उसके अलावा फिर खुद भी मैंने जो है ना लोगों की डिमांड पे भी की, क्योंकि कुछ लोग आते हैं कि हमें सुर्ख शर्ट में जो है ना वीडियो चाहिए ना, ताकि सब कुछ रेड रेड लगे ना, कुछ कुछ रेड, हाँ सब कुछ रेड होना चाहिए, रेड 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 बिल्कुल खून जैसा ना। तो ये लाल ड्रेस जो है ना ज्यादातर शादियों के लिए मैं इस तरह वो होता है ना शादी में, लेकिन लाल तो दुल्हन को पहनना चाहिए, आप क्यों लाल होते हैं? हम ये सवाल जरूर पूछेंगे, यकीनन आप लोग भी लाल हो जाएंगे। अगर आपको लाल होना है तो ये आपको जरूर बताएंगे। अभी हम लेंगे एक छोटा सा लल्ला वाला ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। हमारे पास है डॉन। हेलो डॉन। डॉन अटक गया। मैं डॉन अटक गया इसलिए कि मैं कंफ्यूज हो गया ना कि आगे मैं क्या बोलूं ना। मैं आपके लिए क्या लाऊं मुझे बताओ, चाय, कॉफी, दूध? मेरे लिए फ्रेश जूस। केलो का क्या चाहिए मुझे जो है? आप दिन में कितने केले खा जाते हो? केले, मैं केले अब खाता नहीं, मैं जूस बनाता हूँ केले का। ओके, और फिर उसके बाद पीता हूं। वीडियो में इतने खा लिया तो तुम बोलते हो यार छोड़ ही दो। और वैसे एक बात बताओ, एक एक चीज, एक सवाल मुझे हमेशा पूछना है कि केलों को एक गो में कैसे खा लेते हो? लाइक मैंने तो कहा कि इतना बड़ा मुंह खुलता है केले, तो मैं केले खिलाता भी हूँ, लोगों को खिलाता भी हूँ ना, मतलब वो पैसे दे के बोलते आओ मेरे को खिलाओ। नहीं, मैं उसको यानी जिसको शौक होता है ना केले का, जिस तरह मतलब है कि आप, आपको केले पसंद है बहुत ज्यादा, हाँ, ना तो आप आकर केला खिलाओगे मेरे को? तो हाँ बिल्कुल, मैं तो खिला भी सकता हूँ ना, मतलब नहीं क्योंकि मतलब ये कि कुछ लोगों का जो है ना, मैंने वीडियोस तो बहुत ज्यादा किए, लेकिन मतलब ये कि केले वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, मैं ये कहूँगा। हाँ, वो नजर आता है हम केलो वाली कौम है। या हर बंदे ये बस केला लेकर ही चल रहे होते हैं। बिल्कुल ही तो है। तो ये है कि मुझे जो है वो पहले भी मैंने बताया है कि मुझे केले के अलावा जो है और एप्पल होते हैं, यानी आपने चाय जूस की बात की ना, तो मुझे खुद चाय बिल्कुल मैं नहीं पीता, जूस भी मैं नहीं पीता ना। तो क्या खाते हो? तो ये तो नहीं, चाय भी, चाय कॉफी नहीं पीता। सॉरी, मैंने कहा कि मैं जूस पीता हूँ ना, सिर्फ जूस। हाँ, तो वहाँ इन लाइक मजाक से हटकर, क्योंकि आप लोग के यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा होगी। एग्जैक्टली यही बात मैं भी कह रहा था। इस वजह से क्योंकि मैं खुद शौक थी जब रमजान था, तो ऑफकोर्स यू नो फ्रूट चाट में केला नहीं हो तो वो ऐसा ही होता है कि यू नो इनकम्प्लीट ही होता है। इनकम्प्लीट ही तो है। तो जब हम गए तो 500 के डजन थे, लेकिन इतने कमजोर शदीद रमजान, अगर मैं बताऊं इतने हरे थे तो कुछ बहुत काले थे, तो कुछ बहुत छोटे थे। और रमजान में आपने नोटिस किया होता कि तकरीबन मैं क्या बताऊँ 100-200-150 पे थे, तो तकरीबन 3-4 केले देते थे। आपने इमरान खान जी के लिए भी एक बड़ा प्यारा सा पैगाम दिया था, आप रोए भी थे, तो वो क्या था? चलो कहता इमरान खान प्लीज, अगर इमरान खान को कुछ हो गया ना तो मैं यहाँ पे इस स्टूडियो में आपके अलावा किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बहुत खुश हो गए, देखो ये सब केले खाते हैं, ये केलों की आवाम है। नहीं पर इतनी मोहब्बत इमरान खान से? हाँ बहुत ज्यादा मेरी मोहब्बत है उनसे, क्योंकि उसने जो है माशाल्लाह, कुछ लीडर्स होते हैं ना तो सिर्फ मोहब्बत ऐसे नहीं होते कि आप बस उससे मोहब्बत कराए, उसके काम को देख के आपको मोहब्बत करना चाहिए ना। क्या देखा तो, आपने देखा तो मैंने ये है कि एक तो ये भी है कि एक उसने सेहत कार्ड हाँ, उससे बहुत ज्यादा गरीब आवाम की जो है उस साइड की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह करे उसको दोबारा मौका मिले कि ताकि सेहत कार्ड पाकिस्तान में आम हो जाए ना, क्योंकि अब KPK में बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिल गया था ना, बहुत सारे गरीब आवाम थे उसने उसे किया था। बाकी उसके अलावा जो है ना, उसने जो शौकत खाना में है ना, उसके हवाले से जो कैंसर हॉस्पिटल है ना, तो उसमें भी अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हर प्रोविंस में जो है ना वो उसके ब्रांच लगे ना। यस, दैट इज़ ट्रू। एंड मैं बोलती हूँ हर हुकूमत को दैट एक राशन कार्ड
और एक ये सेहत कार्ड बहुत ज़रूरी है। देखो मुझे लगता है दैट एक मुल्क में किसी को भी खाली पेट सोना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये बड़ा दुख होता है दैट बहुत सारे लोग हैं जो जिनके घर में अभी एक ऐसा वक्त है जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल, यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि मैं तो हर चीज पे, यानी आपसे लेकर मतलब आप एक्टर हो ना, तो एक्टरों पे इन सब पे जो है ना मेरी नज़र होती है ना, और ये करना भी चाहिए ना, सबके काम पे इंसान थोड़ा थोड़ा नज़र रखे ताकि उसको अंदाज़ा हो ना। किस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है? आप पे मेरा बहुत ज़्यादा नज़र होता है ना आज। शुक्र है मैं ये नहीं बोल रही थी गंदी नज़र किस पर रखी है। भैया बताए गंदी नज़र किस पर रखी हुई है? गंदी की भी तो काफी टाइप्स होती है ना। okay, तो किस टाइप वाले आप बात कर रहे हैं ये बताओ आप। मैं कभी गंदी नजर नहीं रखता ना, मैं बिल्कुल अच्छी नजर रखता हूँ ना सब पे। हाँ। सबसे आप बताओ महंगाई में आपके बर्थडे विशेस या ये चीजें ज्यादा हुई है या कम हुई है? किस टाइम पर आपने सबसे ज्यादा कितना कमाया था कि यार इस टाइम पर बहुत ज्यादा आए मैसेजेस? इसमें भी एक सीज़न होता है क्योंकि हमारे कुछ इस तरह होता है नवंबर दिसंबर में काम बहुत टफ होता है ना, फिर इस तरह होता है कि कुछ कुछ महीने में काम इस तरह होता है काम बहुत ज़्यादा भी होता है। और हम लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा शादियां करें आप लोग ताकि हमें काम मिले ना, हम तो ये दुआएं भी करते हैं कभी कभार ना, क्योंकि शादियों में हमारा जो है काम हम अपने निकालते हैं ना, क्योंकि हमें वीडियोज़ मिलते हैं। फिर इस तरह सबसे वाहियात मैसेज क्या आया था आपको? अजीब बात ये होता है कि मैं एक बार लाहौर गया था ना, तो एकदम से जो है ना एक आदमी हट्टा कट्टा आदमी था और एकदम से वो आया, उसके साथ बगल में एक बहुत खूबसूरत बीवी भी थी ना, तो वो एकदम से आया और मुझे उस तरह वो चूमने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसके बाद फिर ये हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस वक़्त ना, तो फिर कहाँ चूम रहा था वो? तो ऐसे ही नहीं कि वो तो मेरे ख्याल में माथे पे चूम रहा था ना। ओके वो शायद थोड़ा व्यू करते कहीं और ही चूम लेता उसके शायद ये इस तरह, लेकिन इस तरह ये फैंस की बात कर रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे फैंस होते हैं ना, तो मैंने फिर उस तरह उसको कहा कि ये मैं इस तरह ऐसे नहीं रखता ना ऐसे। चलो आप ठीक है, ऐसे फैंस भी होते हैं कि सुबह 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 लड़कियाँ कुछ होती है कि बाहर जो है ना मॉर्निंग में इस तरह होती है स्कूलों की, जो लड़कियों की बात कर रहा हूँ ना कि मैं स्कूलिंग की लड़कियों ने बहुत काम करता हूँ ना, तो सुबह सुबह सवेरे जब स्कूल की लड़कियाँ जो है उसकी छुट्टियाँ होती है ना, तो आकर हमारे गेट के सामने इस तरह के नासर खान जैसे कहीं थोड़ा बाहर निकले, हमें उसके साथ सेल्फी लेनी है, हमें उसके साथ मिलना है, तो फिर मुझे उसमें तरस आता है ना कि अब। लेकिन वो तो क्यूट है। हाँ, वो तो बच्चे शरारती हैं, उनका दिन बन जाता है। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ जो है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना कि काफी ज्यादा जो है ना, लेकिन घर तक किसी के नहीं जाना। हाँ, घर तक वो एक जाती चीज होती है, हर इंसान का एक स्पेस होता है। मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ दैट एक आर्टिस्ट की इमेज नाम पब्लिक होता है, उसका सोल, उसकी फीलिंग्स, उसका ख़ानदान वो पब्लिक नहीं होता, तो इस तरह आप लोग को एकदम से नहीं जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं, आपने जब शादी करी हर जगह खबर थी, कुछ लोगों को ये भी लगा कि आप प्रैंक कर रहे हैं, यू नो दिस वाज अ जोक या ऐसा कुछ। एक बात मैं ये भी कहूँ कि मैं कभी झूठ जो है ना मैं नहीं बोलता, मैं ज़्यादातर कोशिश मेरी ये होती कि मैं सच बोलूँ ना, तो मैं हमेशा सच बोलता रहता हूँ ना, जो भी होता है यानी जो भी मैं होता है ना, तो हमेशा मैं बस सच ही बोलता हूँ ना, मुझे झूठ नहीं बोला जाता ना। ओके, वो चुपती भी तो दैट्स गुड दैट झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ झूठ नहीं बोलो वही ज़्यादा बेहतर है, आधे लोग तो झूठे ही चल रहे हैं। यार मैंने भी झूठ बोला था अभी आते वक्त। अरे यार मतीरे झूठ ना बोलो। बट या इन वन वे बेबी आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी लाइफ बदली है या नहीं? बहुत ज्यादा बदली, काफी ज्यादा चेंज हो गई है। अब मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि आपने ये जो वीडियो का जिक्र किया या केलो मेलों का जो भी इस तरह हुआ ना जिक्र का, वो वीडियोस मैं मातक मैंने पहले बनाई थी, लेकिन शादी के बाद मैंने खुद सोचा हुआ है कि मैं कभी नहीं बनाऊंगा ऐसे 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 कंटेंट नहीं बनाऊंगा जो डबल मीनिंग होता है ना। वो कभी कभार हम कंटेंट शोहरत के लिए इंसान चलो आ जाता है कि ये करूंगा वायरल हो जाएगा ये, अब हम इन चीज़ों से बिल्कुल मैंने ये तो छोड़े हुए। किस चीज़ पर आप फोकस करते हो, किस तरह का कंटेंट? अभी मेरा जो है अपना ये है कि मैं थोड़ा सोशल काम करना चाहता हूँ, बाकी ये भी है कि मेरे जो वाइफ है उसके साथ भी थोड़ा मैं डिस्कशन कभी कभार कर लेता हूँ कि अगर
इस चीज़ पे आपको इतराज़ है तो मैं नहीं लगाऊंगा, अगर आपको इतराज़ नहीं है तो मैं लगा दूंगा, तो उससे भी मशवरा लेता हूँ। बाकी उसके अलावा जो है, जब बच्चे होते हैं ना तो बैकअप आपके होते हैं ना, तो आपको फिर बहुत केयर के साथ जो है ना आगे चलना होता है ना, कि कल को बच्चे होंगे, ये है वो स्कूल होगा उसके, ये होगा वो होगा, तो इन चीज़ों का भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। तो अब मैं खुद इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मैं सोशल काम करना चाहता हूँ, अपना जो है एक वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह नासर खान जान वेलफेयर ट्रस्ट तक, अगर अल्लाह ने चाहा ना और साथ दिया ना लोगों ने, तो मैं वो भी ओपन करूँगा इंशाल्लाह। चलिए दैट्स गुड। सोशल मीडिया में कौन से लोग हैं जिनके साथ आप जुड़ना चाहोगे? इस तरह तो बिल्कुल है आपकी बात से, क्योंकि सोशल मीडिया के अपने ब्रांचेस हैं जिसमें अपने अपने लोग अपने अपने काम के हवाले से स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मैं स्टार से मैं किससे इंस्पायर नहीं होता, और स्टार से मेरा अपना एक अलग लेवल है ना, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ ना। बाकी तो ये है कि आपकी बात से बहुत सारे लोग हैं, मेहनत करते रहते हैं, अभी तो ऐसे लोग भी होते हैं मुझे कि ऐसी ऐसी लड़कियाँ मुझे आती है कि हम यानी उसको शोहरत की इतनी क्रेज़ होती है कि हम आपको इतनी इतना पेमेंट दे देंगे ना और आप हमें फेमस करा दो। कैसे यार? अब मैं ये ऐसे लड़के होते कि उठते कि हम YouTube चैनल पे काम करते हैं, आप इस तरह करो, Facebook पे हमारा पेज है, इस तरह आप हमारा मदद करो, हम कोई वीडियोस आप में इसका साथ तो इसके साथ ड्यूट करो, ये करो वो करो, और हमारे साथ लाइव कर लो, हम आपको पेमेंट कर देंगे ताकि हम सोशल मीडिया में एंटर हो जाए। ज़्यादातर लड़कियाँ इसमें बहुत ज़्यादा आजकल ओके ट्राई करते हैं। तो बताओ, कभी किसी लड़के ने आप पर लाइन मारी है? मुझे तो बहुत ज़्यादा लड़कों ने नहीं, लड़कों ने लड़कियों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कभी किसी लड़के ने लाइन मारी है? इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे अब यह है कि मुझे मैं लड़के तो सब मेरे भाई हैं ना। हाँ लेकिन एक वो चीज़ होती है जिस तरह वो अंकल आए बगैर कोई इजाज़त आकर चूम रहे, ये कोई मतलब इंसान है। आप आई बिलीव जो आपको चूमता है वो आपका करीबी खानदान होता है, दूर के खानदान वाले लोग भी लोग बोलते हैं भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो। बिल्कुल तो कभी ऐसा हुआ है दैट कोई आकर आपके ऊपर फ्लैट हो गया हो, या कोई लड़की भी जो आपको स्टॉक करे, आपको तोहफे भेजे, यू नो ऐसी हरकत हुई है कभी? ऐसे इसलिए नहीं है कि मैं हर एक मेरे अपने एक लिमिटेशन होते हैं ना, तो हर एक के साथ मैं अपना एक लिमिट रखता हूँ ना, तो ऐसे इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है ना। फैंस किस तरह, वो तो मैंने आपको जो बताया तो मैंने फैंस का रिएक्शन बता दिया ना, कि ऐसे ऐसे फैंस भी यकीन आपको भी मिले होंगे ना, कि भी तो बहुत फैंस है ना, तो आपको अब तो क्या क्या मैं आपकी इंटरव्यू शुरू करूँगा ताकि आपसे पूछ लूँ कि आपके साथ कभी इस तरह हुआ है? मेरे साथ नहीं, मैं कभी इतने करीब नहीं जाती। नहीं, कोई क्रेजी फैन, क्योंकि क्रेजी फैन आपके साथ किसी से क्रेजी फैन हो और इस तरह आपके साथ कोई इस तरह ऐसे मिसबिहेव जब होती है? नहीं, एक चीज़ का मैं बहुत खुश हूँ दैट लोगों को लगता है कि मतीरा के मर्द ज़्यादा फैन है, लेकिन अगर आप मेरे DMs चेक करो और जब मैं बाहर जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बहुत बच्चे आते हैं। पर खैर, आप बताओ, इंडस्ट्री में तो आप आए, आपने एक दिन बयान दिया था कि आप नीलम मुनीर के साथ काम करना चाहते हैं। जो है वो उसने मुझे खुद कॉल किया था, एक दिन मुझे इस तरह कॉल आया है मोबाइल पे ना, तो मैं सोचा कि पता नहीं कौन होगा, तो फिर उसके बाद वो नीलम मेरे साथ मेरी और उनकी बातें हो गई थी, कुछ बातें हो गई थी ना, और वो तो खैर इस तरह ऐसे बातें हो गई, दुआ सलाम हो गया था ना। नीलम वैसे मजाक से हटकर, नीलम बहुत ही डाउन टू अर्थ है, शहजादी बंदी, बहुत पेची है। और आज भी मुझसे इस तरह एक क्वेश्चन भी पूछा गया था ना शो में कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे ना, तो मैंने कहा कि मैं नीलम के साथ ही काम करना चाहूँगा ना, तो इस वजह से उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ना, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। और बाकी तो ये अगर मैं कहूँ तो इतना तक यानी इतना सीरियस मैं नहीं था ना जितना, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर हम कुछ ऐसे भी करते हैं ना कि कुछ वीडियोस बनाते हैं हम ताकि कुछ चीज़ वायरल हो जाए। और ओके, तो आप बताओ, वायरल इतना आप होते हो, कौन सी वीडियो है जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है? मेरी वायरल वीडियो अभी रिसेंटली थी, इमरान खान वाली बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस पे लगी। उसके अलावा जो है ऐसे तो बहुत इतनी वीडियो में जो खुद अपनी वीडियोज़ का पता नहीं, क्योंकि काउंट में नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा मैंने बनाई है ना। चले, कभी धमकी मिली है? धमकी मुझे तो
इतनी धमकी है कि अब मैं वो क्या बड़ी हिस्ट्री है, अब वो कैसे मैं कूल हूँ आपको ना। नहीं लेकिन फजूल में कोई धमकी, लाइक कभी ऐसे तंग हुए हो? बहुत ज़्यादा, ये तो सोशल मीडिया का एक हिस्सा है ना। और तो क्यों धमकाते हैं आपको? धमकाते इसलिए कभी कभार कोई कहता है कि आप वीडियोस की ये है वो है, ये वीडियोस मैं इतना मेहनत वीडियो पे कर लेता हूँ, वो मुझसे कहते हैं कि इसमें सॉन्ग ऐड करो, ये ऐड करो, ये डायलॉग ऐड करो, तो उसमें से थोड़ा सा भी कुछ रह जाते हैं ना। और फिर वो लोग जब पेमेंट कराते हैं ना, तो उसके बाद फिर ऐसी लेडीज़ भी होती है कि फिर चीखते कि मैं ये करूँगा आपके साथ, ये करूँगा, आपने ये नहीं कि मुझे दोबारा वीडियो बना लो। तो मैं कह दोबारा क्या बना लो, मैंने तो अपना काम आपको किया और पेमेंट भी मिला हो गया, तो वे और चीज़ें वो मज़ीद ऐड करना चाहते हैं ना, यानी तंग करने का मकसद उसका होता है ना। ओके। तो उसके बाद फिर वो धमकियाँ वगैरह पे भी आ जाते हैं कि ये है वो है। और कभी कभार तो ऐसे भी कपल होते हैं ना कि बीवी मेरे साथ लपड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हस्बैंड आकर उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है ना कि नहीं वो आपके साथ कर लपड़ा ये होता है कि वो यानी मेरे उनके बीच है ना, वो मेरे उनके बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना वीडियोज़ के हवाले से ना। फिर उसका जो शोर होता है वो भी बीवी के साथ खड़ा होता है ना कि ये है वो है, मैं आपके साथ ये करूँगा, आपने मेरी बीवी को जो है ना दुकाया, और ये है वो है, आपने फ्रॉड। हाँ ये that's pretty sad. I think अगर इस तरह होता है तो as long as you got a shout out बंदे को उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। And तो yes, अगर आप उठें और आप एक पॉलिटिशियन हो तो आप किसकी बॉडी में उठना चाहेंगे? मैं फवाद चौधरी। फवाद चौधरी? हाँ। वो है बहुत क्यूट। वो क्यों? वो इसलिए कि वो थोड़ा इस तरह बाल बाल सा है ना, क्यूट तो। बाल बाल सा, ओके। हाँ। हाँ, he looks very cute. हाँ। तो आप फवाद चौधरी, अगर आप हीरोइन होते तो आप किस की बॉडी में उठना चाहते हैं? मीरा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। रेशम? मतीरा। मतीरा, हाय अल्लाह, क्या करते एक मिनट क्या करते जनाब? मैं यानी आपकी बॉडी में मैं उठता तो मैं मेरा रिएक्शन क्या होता? मैं करता ये कि ऐसे बहुत सारी चीजें करने को है ना, लेकिन वो बताओ जो जो मतलब हलाल हलाल हाँ जो टीवी पे बता सकते हैं। मैं ये करता कि मैं बस एक्सरसाइज करता और इसके अलावा जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल एक्सरसाइज करते हाँ, और फिर जिम करता और बस इसके बाद जो है वो आकर बोल टीवी के शो भी करता और बस हाँ। जिस तरह आपकी रूटीन है ना तो वैसे ही करता ना। चलो जी दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप मैं बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 11 बिल्लियाँ, एक कुत्ता, 3 बच्चे, इन सबको संभालना पड़ता तो यस मैं बनना आसान नहीं है। तुम उठ के तो मेरा कुत्ता तुम पर कूद रहा होता और तुम वहीं बैठ जाते, तुम बोलते हाय ये तो कुत्ते कुत्ते हो गए मैं। पर एनीवेज थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा। आपने बोला था कि आपके बेबी के इनकी बेबी के दिल में डॉक्टर्स ने भी ये बोला है, कन्फर्म नहीं है एक सुराख? अभी तो पूरी तरह ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये जब मिला तो ये न्यूज़ मुझे मिला तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, काफ़ी ज़्यादा अभी भी हूँ। तो अभी जाकर हम पूरा मज़ीद तसल्ली करेंगे और अभी मज़ीद चेकअप करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी यहाँ मेडिकल बंदा जो ये शो देख रहे हैं पेशावर से या इस्लामाबाद से और यू गाइज वांट टू हेल्प हिम आउट तो प्लीज़ आप इनको जाकर इनकी इंस्टाग्राम पे मेरा नासिर खान जान। ओके, और ट्विटर? ट्विटर पे भी मेरा नासिर खान जान। ओके, तो वहाँ जाकर आप प्लीज़ अगर आप डॉक्टर है कोई भी है और आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आई नो ये साल बहुत ही अजीब सा है और ये महीना मज़ीद अजीब सा है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है उसकी बेबी इज़ नोमो, सलमान इकबाल्स डॉटर शी इज़ नोमो, इमाद एक ग्रेट एक्टर उनका रिसेंटली बेबी पास्ट हुए। तो आई थिंक दैट एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी एक उलझन और सबसे बड़ा फियर ही यही होता है कि बच्चे की सेहत सही होनी चाहिए। तो मजाक से हटकर प्लीज़ जाएं, इनको सपोर्ट करें, बर्थडे विशेज बनाएं, कोई भी पैगाम कुछ भी प्लीज़ बनाएं, क्योंकि आपके छोटे से पैगाम या छोटी सी चीज़ है ना किसी का घर चलाता है,
किसी को एक अच्छे रास्ते पर भी लाता है. सो थैंक यू सो मच. वेलकम. और आप बताएं क्या सिस्टम होना चाहिए, लाइक किस तरीके से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं ये बर्थडे विशेज और इन चीज़ों के लिए? इसके लिए तो मेरा अपना टीम भी है, उनसे भी लोग को बात कर सकते हैं. लेकिन इंस्टाग्राम पर कहाँ, लाइक कहाँ मैसेज? इनबॉक्स कर सकते हैं. ओके, आप इनबॉक्स करें. एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. अल्लाह हाफिज, केले खाते जाएं. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.